अपनी शक्ति को पहचाने ब्राह्मण राम बाबू शास्त्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा मिलक के तत्वाधान ने राधा माधव बैंकेट हॉल में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुनीश चंद्र शर्मा, राम बाबू शास्त्री, धनंजय पाठक, ललित कौशिक और रामजी पांडे ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के साथ समारोह आरंभ हुआ। श्याम बाबू शर्मा ने अतिथियों को तिलक लगाकर और उत्तरीय ओढ़ाकर स्वागत किया। वैष्णवी शर्मा ने अपनी ओजस्वी वाणी में मालवीय जी के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए ब्राह्मणों के कर्तव्यों का बोध कराया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राम बाबू शास्त्री ने कहा कि मालवीय जी सच्चे भारतीय थे। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्य को जीवंत रखने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अपना सारा जीवन समाजोत्थान के लिए समर्पित किया। विशिष्ट अतिथि धनंजय पाठक ने कहा कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व है। हम ऐसे कार्य करें कि आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व करें। ललित कौशिक ने कहा, ब्राह्मणों ने सदैव समाज के लिए त्याग और बलिदान दिए हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। रामजी पांडे ने कहा कि हमें सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, आपसी भाईचारे से बड़ी समस्या हल हो जाती है। अध्यक्षता कर रहे संगठन के जिलाध्यक्ष मुनीश चंद्र शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों को अपने अतीत से प्रेरणा लेकर नया इतिहास बनाना है। हमें राजनैतिक रूप से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। हमने अपनी शक्ति हमेशा दूसरों के उत्थान में लगाई है। अब समय है कि हम खुद को हर प्रकार से मजबूत करें। राजनैतिक रूप से हमें हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। हमें एकता के बल पर ऐसी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देना है। प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्याएं चिंता का विषय है। उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। समाज में अपना स्थान बनाने के लिए उनका शिक्षित और संस्कारित होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान ब्राह्मणों मोहन स्वरूप शर्मा, कमल शर्मा, रामोतार शर्मा, नरोत्तम पांडे को सम्मानित किया। अपनी ओजस्वी अलंकारिक और विशुद्ध हिंदी में समारोह का संचालन अंबर वशिष्ठ ने किया। अध्यक्षता मुनीश चंद्र शर्मा ने की तथा उमेश चंद्र शर्मा ने सभी मेहमानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती एवं सम्मान समारोह। तो अब तक हम जयंती की बात कर रहे थे, मालवीय जी की बात कर रहे थे, अब उसके दूसरे पक्ष में आते हैं जिसमें कि सम्मान होना है। क्योंकि भारत की परंपरा रही है हमेशा बुजुर्गों का सम्मान हो, बड़ों का सम्मान हो और जो प्रतिभाएं हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई श्याम बाबू शर्मा। ऐसी सुंदर ये प्रांगण है जिसमें राम और श्याम मौजूद हैं, आदरणीय राम बाबू शास्त्री जी, आदरणीय श्याम बाबू शर्मा जी। या राम और श्याम साक्षात मौजूद हो, बात दो युगों की बात है। चाचा भतीजे अगली बात बता रहे हैं। तो चलते, समय कम है, मैं कोशिश करूंगा कम समय में। और यह हमारे लिए सर
कि जो भी है इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को बताने वाले, बचाने वाले केवल ब्राह्मण ही हैं। लेकिन क्या नाव डूब रही है तो हम भी नहीं बच पा रहे हैं। सारी दुनिया को आज बचाने की जिम्मेदारी अपनी है, लेकिन साथ साथ क्या हम बच पा रहे हैं? अपना समाज बच पा रहा है क्या? देश बचे ना बचे, हम बच पाए। आने वाले जो 30 सालों में, अभी पाठक जी ने कहा था कि हमारे रिश्ते बच पाएंगे, नाते बच पाएंगे, हम बच पाएंगे, संस्कार देने वाले पीढ़ी बच पाएगी, तो नहीं बचेंगे। इस पर चिंतन होना चाहिए। तो क्यों हम अपना ये ब्राह्मण सम्मेलन वर्ष में एक बार करें? नवाज दिन में कितनी बार पड़ी जाती है? 5 बार। और जो दिन में 5 बार नहीं पड़ता तो उन्होंने कहा है 5 बार पढ़ो मत पढ़ो तो दिन में 1 बार पढ़ो, और दिन में 1 बार पढ़ो मत पढ़ो तो जुम्मा जुम्मा पढ़ो, और जुम्मा जुम्मा भी ना पढ़ो तो तरह तरह के उनकी 1 महीने की सेवा दो, 2 महीने की सेवा दो। तो जो ब्राह्मण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो इतना सस्ता है कि साल में 1 बार करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो साल में 1 बार करने से पूरा, ये अपनी जो हिंदू समाज की एक प्रवृत्ति है कि जल्दी जल्दी भूलने की आदत है, इसलिए हमको निरंतर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने संस्कारों को का प्रयास करना चाहिए। सम्मेलन होना हो, आज भी कितनी भी विकृत स्थिति हो गई है तो लोग जो समाज है वो ब्राह्मण की ओर देखता है। वो किसी जाति में होगा, किसी पंथ में होगा, किसी मत में होगा, वो किसी मतलब किन्हीं लोगों के बीच में होगा, क्योंकि गांव है, 5-7-8-10 जाति है, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कौन है? देखेंगे तो ब्राह्मण ही मिलेगा, किसी ना किसी रूप में ब्राह्मण मिलेगा। कोई भी अगर अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे की आप पृष्ठभूमि देखिए, वो किसी जाति का होगा, उसके पीछे कौन होगा? तो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण बन सकता था, लेकिन हमारी नीति क्या है? चार्टर्ड वाली है, लेकिन भटके का हम। अब एक गीत बोला जाता है, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था, ये रास रचाना याद रहा क्यों चक्र चलाना भूल गए। पाठक जी ने भी उसमें बताया था भाई, जो 1 वर्ष में 3-3 होती हैं, आपस में कॉलिब्रेशन हो जाए, 1001 हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक ब्राह्मण सभा बन जाएगी। जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, और यहाँ हमारे पांडे जी ने भी हमको देख कर बहुत अच्छी बात रखी, बड़ा अच्छा भाषण लंबा कर दिया इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में खास तौर से जो गिरावट आ रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको बहुत मजबूत होकर, संगठित होकर, और ऐसी ही काउंसलिंग कर, ऐसी ही सभाएं करके उसको हमें खत्म करना होगा। और साथियों, हमें अपने धर्म के लिए, खास तौर से हिंदू धर्म पर बहुत बात हुई थी, तो मैं कहूँगा ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो विश्व के कल्याण की भावना रखता है, सभी हिंदू धर्म के कल्याण की भावना रखता है। तो ब्राह्मण समाज को श्रेष्ठ होना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज के अंदर जो बुराइयां प्रवेश कर रही हैं उनको कम करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कह सकता। यहाँ बहुत वक्ताओं ने पूरी पूरी बात बड़ी विस्तार के साथ, बड़ी कंक्लूजन के साथ पाठक जी ने बताई, और आप सब लोग समझ ही गए होंगे। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा है, जो जहाँ बैठा है आप अपना भी चिंता करें क्या हम करते हैं। अगर हम करते हैं तो फिर इस बात के लिए ध्यान रखिए, परशुराम ने यही सबसे पहले कहा था, अपना स्वाभिमान बचाइए, अपनी जाति बचाइए, ब्राह्मणों का उत्कर्ष कीजिए, ये कहा था। और इसके लिए मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि गंगा शंकर जी, मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, राम जी करके मुझे याद रहते हैं, मैं उनसे छोटे, अब कैसे राम जी कहूँ उनसे, अब मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि राम जी करके प्रसिद्ध है पूरे में, मैं लक्ष्मण कहने मैंने इसीलिए कहा। तो मैं ये 4 लाइनें कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि साथियों, ब्राह्मण भाइयों, प्रबंधुओं, माताओं, बहनों,
मिलाओ। तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पर भार करो। तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पर भार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदिया पार करो। धन्यवाद। जय परशुराम भगवान की। पंडित मदन लाल वाले की जयंती, इस संबंध में थोड़ा प्रकाश डालिए। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रतिवर्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने समाज को एकता का मंत्र दिया। सबसे बड़ी बात, जिस काल में शिक्षा का बड़ा अभाव था, वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन केवल उन्होंने मन में नहीं बल्कि एक संकल्प लिया और पूरे समाज का सहयोग लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना सन 1939 में इस उद्देश्य से की कि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है। ब्राह्मण योग होगा, सशक्त होगा, तभी समाज का सही रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। इस सब के लिए आवश्यकता है कि वह संगठित हो, और संगठित होने का मंत्र दिया उन्होंने इस सभा का गठन करके। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित ये शाखा रामपुर में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। सभी शाखाएँ पूरे तहसील स्तर तक कार्य कर रही हैं। मालवीय जी धर्म और संस्कृति के रक्षक थे और पोषक थे। उन्होंने चाहा कि आज का युवा इस धर्म और संस्कृति से जुड़े, तो इस जयंती को मनाकर हम आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, हम इस देश के ऋणी हैं, और युवाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। युवा चाहें तो जिस ओर ले जाना चाहें उस ओर देश को ले जा सकते हैं। कहा भी गया है कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। उल्टा कहें इसको, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, अर्थात युवा शक्ति जिस ओर जाएगी, युवा शक्ति जैसा करेगी समाज भी वैसा करेगा। युवाओं के ऊपर इस देश का विकास का पूरा जिम्मा है, इसलिए युवाओं को शिक्षित और संस्कारित होने की आवश्यकता है। शिक्षित और संस्कारित युवा ही एक सशक्त मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भारत 65% युवाओं का देश है, विश्व का सबसे बड़ा युवा देश भारतवर्ष है। इसलिए युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छे संस्कार ग्रहण करें, और जो पलायन हो रहा है, प्रतिभा पलायन, धन के कारण से विदेशों में लोग जा रहे हैं, उनमें नैतिकता का अभाव हो रहा है। उस नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए इन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। कहा गया है महापुरुष जीवन की दिशा बदल देते हैं। वास्तव में उनके उच्च आदर्शों का यदि हम पालन करें, उनको जीवन में अपनाएं, तो हम एक समाज के सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। हम इस समाज को उत्थान कर सकते हैं। समाज के उत्थान के साथ साथ पूरा देश का उत्थान होगा, मानव जाति का उत्थान होगा। आज के अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं। आज उस महामानव का जन्मदिन है, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और इनके साथ एक दूसरे भारत रत्न हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सर्व समाज के प्रिय थे। उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर विकास का मंत्र दिया, और आज भारत की जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं, भारत में जो वातावरण देख रहे हैं, ये सब माननीय अटल जी की देन है। उन ब्राह्मणों का आपस में बिखराव है, राजनीतिक दल भी ध्यान नहीं दे रहा है ब्राह्मणों के, इस संबंध में आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है, जमीनी हकीकत? हमने हमारा उद्देश्य है, ब्राह्मण जितने संगठनों में बटे हैं, हम उसमें एक सकारात्मक भाव लेकर चलते हैं कि जितने चिराग होंगे उतनी रोशनी होगी। हमारा कहना यह है कि जब जब किसी भी संगठन के द्वारा आह्वान हो, सब लोग मिलकर के उस कार्य को करें। एक समय था लोग कहते थे कि चार ब्राह्मण एक दिशा में तब चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों में बहुत जागृति आई है, और हमारी शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ेगा। हमने बड़ी बड़ी सरकारें बनाई हैं और गिराई भी हैं। जिसने ब्राह्मण को नकारा है वो दोबारा सत्ता नहीं पा सका है। इसलिए ब्राह्मण के पास जो मेधा शक्ति है, इस मेधा शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। हर जगह ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। एक अलग बात है कि संघर्ष के समय राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को याद करती हैं और उन संघर्ष के बल पर सत्ता हथियाती हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाती हैं तो ब्राह्मण को भूल जाती हैं। अगर ब्राह्मण सत्ता पर बिठा, सिंहासन पर बिठा सकता है, तो ब्राह्मण सिंह पाएंगे, और जो भोग रहे हैं उनका सत्ता सुख बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि ब्राह्मण समाज का सिरमौर रहा है, सिरमौर रहेगा। अगर ये बात स्वीकार करेंगे तभी वह सिंहासन पर बैठ सकेंगे।